मध्य प्रदेश के कटनी नगर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री पारसनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर अतिशा क्षेत्र बिलहरी। सन 2000 में मंदिर के भूगर्भ से मूलनायक भगवान आदिनाथ सहित 10 प्रतिमाएं एवं सन 2004 में 20 प्रतिमाएं और प्रकट हुई। अभी भी यहां खुदाई के दौरान बहुतायत संख्या में जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव संप्रदाय की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें प्राचीन काल में आतताइयों के कारण जैन लोग मूर्तियों को दीवारों में चिनवाकर यहाँ से पलायन कर गए थे। आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री समता सागर जी महाराज और एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तजन मंदिर के रख रखाव के प्रति सजग हुए और मंदिर निर्माण में तन मन धन से सहयोग देने लगे। नतीजन 2 दिसंबर 2020 से हुए पंच कल्याणक के दौरान प्रतिमाओं की स्थापना एवं भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। यहाँ प्रतिदिन सभी भक्त नित्य महापूजन कर स्वयं के कल्याण की भावना भाते हैं। तो ऐसा भव्य मंदिर आपने विराजमान बना लिया, भगवान को भी यथा स्थान भव्यते भव्याति भव्य तरीके से विराजमान कर दिया। अब क्या करना है? आराधना करना है। कल यहां जब सारे भगवान का अभिषेक और शांति धारा हो रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। और कल चर्चा में मेरे मुंह से बात निकली कि यहाँ अब यावत चंद्र दिवा करो, भगवान का नित्य अर्चन पूजन विधान के साथ संपन्न होना चाहिए। मैंने केवल एक बात छेड़ी थी, पर आप सबकी श्रद्धा भक्ति से 365 दिन की बात सोची थी, लगभग 500 दिन के तो हो गए होंगे। काफ़ी लोगों के नाम आ गए, अभी बहुत सारे नाम घोषित नहीं कर पाए। 11 दिन, 21 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ये एक बहुत अच्छे लक्षण है। और अब बिलहरी के इस मंदिर से सारा हिंदुस्तान जुड़ गया है, संपूर्ण भारत जुड़ गया है। लोगों से कहूँगा, जब भी आप कुंडलपुर जबलपुर तरफ जाएँ तो अक्षय क्षेत्र बिलहरी के दर्शन जरूर करें। अक्षयकारी प्रतिमाएं हैं, अत्यंत मनोज्ञ जिन बिंब है। और प्रतिष्ठा के बाद जैसा इन लोगों ने मुझे जानकारी दी, आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग वहां रोज पहुंच रहे हैं, जहां 5-7 घर की समाज है, लेकिन इतना भव्य मंदिर अद्भुत है। इसके लिए तो मैं बिलहरी वालों के पुण्य की सराहना करूँ। क्लीं श्रीं क्लीं ईं ह्रं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं रवे रवे नमो अरति भगवते श्रीमते पवित्रे सिंचाविते स्वाहा। आप देख रहे हैं अभिषेक एवं शांति धारा का प्रसारण श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र बिलहरी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से। अक्षय क्षेत्र बिलहरी में विराजमान है भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी अति प्राचीन 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की भव्य मनोहारी अतिशयकारी जिन प्रतिमा एवं भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी अति प्राचीन 32 जिन बिंब, जिनके दर्शन पूजन मात्र करने से ही समस्त प्रकार के कष्टों का नाश होता है, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे अतिशयकारी जिन बिंबों के समक्ष उपस्थित होकर संत श्रोमणी पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनकी ही सुयोगी शिष्य गुणायतन एवं अच्छे क्षेत्र बिलहरी प्रणेता मुनिवर जी प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज जिन्होंने क्षेत्र पर शांति विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे हमारे पुण्याचक परिवार श्रीमती सरिता योगेश कुमार जी, श्रीमती प्रियंका योगांश कुमार जी जैन सपरिवार कटनी मध्य प्रदेश वाले, ये यहाँ उपस्थित भी हुए हैं। श्री अनुराग जी, सपना जी, श्रीमती संगीता अजय जी जैन सपरिवार हार्दिक खुशी, परी जी जैन जैन मेडिकल परिवार कटनी एवं जबलपुर वाले, ये भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जिन्होंने शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे हमारे पुण्यार्चक परिवार श्रीमती रश्मि अजित जी नायक, श्रीमती पलक अमन जी नायक, रौनक जी नायक, समस्त नायक परिवार सागर मध्य प्रदेश वाले, जिन्होंने संपूर्ण माह के लिए शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे हमारे पुण्याचक परिवार श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी,
रूही सौरभ जी, अनामिका गौरव जी, पायल नीरज जी, दिव्यांश, शुभंकर, जिताशा, हिताशा एवं समस्त उपकार एजेंसी परिवार सागर मध्य प्रदेश वाले, श्री विमल चंद जी, वंदना जी, नीतेश, नियति, निमित्त, नवनीत, शिल्पा, नमन, नयन जी, जैनसा परिवार इंदौर एवं पुणे वाले। बंधुओं, अगर आपकी भी भावना अतिशय क्षेत्र बिलहरी में आकर के शांति धारा या शांति विधान कराने की है और आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर विराजमान अच्छे कार्य जिनों के समक्ष शांति धारा या शांति विधान करा करके पुण्यार्जन करें, किंतु अगर आप किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो आप ऑनलाइन राशि भेज करके भी अपने परिवार के सदस्यों के नाम से अपने शुभ कार्य की सफलता हेतु शांति धारा या शांति विधान करा सकते हैं। हमारे यहाँ शांति धारा कराने की न्यौछावर राशि मात्र 1100 रुपये, शांति विधान कराने की न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये, संपूर्ण माह के लिए शांति धारा कराने की न्यौछावर राशि मात्र 11000 रुपये निश्चित की गई है। अच्छे क्षेत्र बिलहरी कटनी जिले से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर, जबलपुर से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर और कुंडलपुर जी से मात्र 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप सभी यहां पर आएं, यहां पर विराजमान अच्छे कार्य जिनमों के दर्शन करें और क्षेत्र के विकास में हम सभी का सहयोग करते रहें ताकि यह क्षेत्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहे। इसी मंगल में भावना के साथ पूरे महावीर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, श्री वीतरागाय नमः, हरिम नमो वरियंताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाड़म नमो उपज्यायम नमो लोहे शभ्यशाहुड़म चतारी मंगलम अनियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडत्व धम्मो मंगलम चतारी लघुत्मा अनियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पंडत्व धम्मो लघुत्मो चतारी शरण पौजामी अरंते शरण पौजामी सिद्धे शरण पौजामी साहू शरण पौजामी केवली पंडतम धम्मम शरण पौजामी। ओम रिमनादि मूलमते सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणासे दोसलमसाय देवी तेजो मूर्ते नमाशी शांतिनाथाय शांति कराय सर्वे कृपणाशनाय सर्व लोग आप मृत्यु विनाशनाय सर्व वर्ग शुद्ध पद विनाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम राम रेम रोम रासी ओसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम रोम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फुटे स्फुटे सहस्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान चिन चिन्दे पर मंत्रान बिंद बिंद चाह चाह वाह वाह हूँ फट सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम श्रीम क्लीम रम असी ओसा नाथ विदेण बोरिंताड़म रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम आराम से रे मारूम ओम सारा जगताप प्रश्नाय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम रिम श्री शांतिनाथाय अशोक तरुसत्वातिया वृणताय अशोक तरुसत्वातिया शोभन पत्पदाय मम रम विजय सर शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम रिम श्री शांतिनाथाय सुर पुरुष श्री सत्वातिया वृणताय सुर पुरुष श्री सत्वातिया शोभन पत्पदाय मम रम विजय सर्व शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय देवधनी सत्प्रतिहार मणिताय देवधनी सत्प्रतिहार शोभन पत्पदाय ममलभ्युम बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रतिहार मणिताय चामरोत्तोलन सत्प्रतिहार शोभन पत्पदाय रमलभ्युम बीजाय सर्व शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रतिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रतिहार शोभन पत्पदाय गमलभ्युम बीजाय सर्वपुत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। अस्माकं सर्व शांति धारा करने वाले कराने वाले देखने वाले टीवी पर देखने वाले उपस्थित समाज बिलहरी तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगो धनधर्म सदास्तु सद्धम शिवलायु आरोग्येश्वरी अभिवृद्धिरस्तु। ओम ब्री ब्रह्मणो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष भवतु सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन सामान्य तपोधनानां देशस्य रक्षस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ॐ ह्रीं अश्वाध्यार्मदे क्षत्रयत्रम् स्थापनं करोमि। ॐ ह्रीं अश्वाध्यार्मदे चामरद्वय स्थापनं करोमि। ओम रेम चेम शेकांते पुष्पादि विरांति भ्यो नमः शांति धारार्घम महार्यम निर्वाम दे स्वाहा। ओम रेम सर्वृद्धि सिद्धि संपन्न सर्वनाशक आत्म शांति प्रदायक कृपा दे सर्व श्रोति संकर्षि शांति नाथ भगवान अतिरिक्त सिद्धि हाड़ा स्थापना जय हो जय हो जय हो।